ओवरलैंड का बम्पर है, ओवरलैंड का बम्पर हमारा 35 kg से करीब होता है जो मेटल है, इसका भी सेम वेट है 35 है, और इसमें विंच प्लेट इंक्लूडेड है, रेडिएटर प्लेट इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये पूरा भी नहीं है, ये कंपलसरी लगाना है, नहीं ये डिटैचेबल है, डिटैचेबल, इसके बिना भी लग सकते, इसके बिना भी मतलब लुक चेंज हो सकती है, पर इसके नीचे माउंटिंग एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है, आप इसको लूज करके इसको ऊपर कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे मैन्युअली कर सकते हो। एक चीज तई ताजा बताओ, इन्हें जो इनका डैश कैम है ना, वो भी महिंद्रा ने उसमें से भी मेमोरी कार्ड चुरा लिया। इतना अनकन्वीनियंट हो रही है, एक पैर आपका इसमें आप ना लगेज उठा सकते हो ना कुछ उठा सकते हो, तो ये मैंने फोल्डेबल हेड उठाई थी। अच्छा, तो आप आराम से चढ़ सकते हो इसके ऊपर, ले ले सकता है, लोड लोड ले लेगा, चढ़ जूम इन कर रहा है यहां पे। हां हां, ये सबसे काम की चीज है। ऑल ब्लैक, हां, और एक ब्लैक, अरे अच्छा, कलर में ड्रिल होते हैं, हाँ यहाँ ड्रिल करके लगाता है, ये बढ़िया चीज। ये भी अभी अभी लॉन्च किया हमने, नहीं इसको काफी टाइम हो गया, इसको तो 4-5 कॉपी भी आ चुकी है मार्केट में। आप ही से लूंगा मैं कॉपी, अगर कब वीडियो बनाते हुए कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो भी टाइम भी, सैटरडे संडे बेसमेंट से निकले, पब्लिक रिएक्शन ले लिया, भाई तू भी काम कर ले, संडे वीडियो बनाते रहे, अभी भी यही बोलते हैं। आप थोड़ा एक से पहले मेरे को उसके बाद। सो गाइस, फाइनली जो बम्पर हमें देखना था वहाँ पहुँच चुके हैं, और उससे पहले ये पूरी इसकी जानकारी देने से पहले ओनर से मिलवाते हैं। और कुलजीत भाई क्या हाल है भाई? हम प्लान कर रहे थे, कल से प्लान कर रहे थे, मीर से बात हुई, मीर ने बात कर रहे कि भाई ऐसे ऐसा है, तो शूट पूरा प्रॉपर प्लान किया। तो भाई अब बताओ प्रोमैन के बारे में, कब स्टार्ट करी और कैसे, मतलब कैसे कैसे रहा, और कब ये लॉन्च किया आपने अपना बम्पर? मेरे को स्टार्ट हो गया था प्रोमैन करके 2 साल। हाँ, 2 साल से कम स्पेसर्स में एज अ हॉबी बना था 2012 से स्पेसर्स। तो मैंने प्रोमैन स्टार्ट की थी टूल्स के पर्पज़ से कि टूल्स बनाऊँगा, तो टूल्स से धीरे धीरे शिफ्ट होते होते इस पर स्पेसर्स भी मैंने इसी में एड ऑन कर दिए, लेकिन जो मुझे स्पेसर्स का रिस्पांस मिला ना वो मेरे टूल्स से ज़्यादा बेटर था। अच्छा, तो मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि भैया इस चीज़ में या इस सेक्टर में ना एक क्वालिटी की कमी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने इसमें आना स्टार्ट करा धीरे धीरे, पहले स्टेपर में आया मैं, फिर ग्रैब हैंडल आया, तो थोड़ा सा और भाई धीरे धीरे आपके देख भी रहा था, मैं वीडियो भी देख रहा था कि हाँ ये प्रोमैन नया अजाक से, और ये पिछले 6 महीने में कुछ ज्यादा हाइप नहीं, क्योंकि लोगों का प्यार इतना मिला ना कि धीरे धीरे और बंदे का खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, नहीं यार और अच्छी चीज में डेवलप कर सकता हूँ। आप अगर मेरे सीक्वेंस में भी चलोगे तो आप देखोगे धीरे 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 प्रोडक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, डिजाइन इंप्रूव हो रहे हैं, और धीरे धीरे बंदा ना जैसे जैसे और प्यार मिलता है और सपोर्ट मिलता है तो बंदा बेहतर करने की कोशिश और करता है। अब फुल कंपटीशन में आ रहे हो, मतलब और जितने भी ब्रांड है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप फुल कंपटीशन अब कर रहा हूँ, काफी और डेवलपमेंट है इन, मतलब पाइपलाइन में है काफी सारी, इसकी भी काफी पाइपलाइन में, इसकी तो बहुत सारी पाइपलाइंस में, मेनली जिम्नी और थार के या नहीं, इसके गाड़ी इसके बाद हाईलक्स पकड़ूंगा। एक्चुअली क्या ना, मुझे मेरे एंड पे कार चाहिए। अच्छा, तभी मैंने जिम्नी भी, यही मेरा पर्पस था खरीदने। और एक और बात बताऊं, ये जो दोनों गाड़ी देख रहे हैं दोनों भाई की गाड़ी है, जिम्नी और थार ली है कि भाई हाँ पहले अपनी गाड़ी में काम करूँ, करवा के टेस्ट करके देखूँ, उसके बाद पब्लिक की गाड़ी लाओ, क्योंकि ना मेरा टारगेट है कॉपी पेस्ट नहीं करना। और आप कह रहे हो अपना ही सामान बना के चलो, लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं चाहे जो मर्जी जितनी मर्जी कॉपी कर रहे, लेकिन मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करूँगा, मेरा ये टारगेट है कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये जो है ये अलग ही चीज है, ये मैंने किसी मैंने यहाँ तक देखा है, ये है क्या, मतलब ये आपने क्या क्या बोलूं, ये बुलबार है। हाँ, ये प्राड़ के बम्पर में भी था बुलबार, लेकिन हाँ, वो पाइप का था। हाँ, हमारा ये शीट मेटल का है। अच्छा, ये शीट से ही शीट को बेंड होकर बनाया हुआ है ये पूरा, कितना ये पूरा प्रॉपर स्टील के? हाँ, प्रॉपर स्टील है ये, और इसको लाइट वेट करने के लिए ना, ये बेसिकली हमारा जो ओवरलैंड का बम्पर है, ओवरलैंड का बम्पर हमारा अराउंड 35 kg से करीब का होता है। हाँ, जो मेटल है इसका भी सेम वेट है 35 है, और इसमें विंच प्लेट इंक्लूडेड है, रेडिएटर प्लेट इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है ये पूरा। अच्छा, जो हम बाद में लगाते हैं वो पूरा सब कुछ इंक्लूडेड है, जो मेन पर्पस हमारे बम्पर का है, हमारा ये मेरा बम्पर विंच कंपैटिबल है। अगर आप विंच नहीं भी लगाओगे ना तब भी अंदर नहीं दिख रहा किसी को, विंच लगाओ ना लगाओ, विंच आपके पर्पस, अभी विंच लगा हुआ है इसके अंदर, नीचे से देखोगे जब पता चलेगा मेरे साथ। ये नंबर प्लेट का होल्डर भी साथ ही है, आपने ऐसे लगाना, ऐसे लगा लो
वरना आप इन माउंटिंग पे भी लगा सकते हो नंबर प्लेट अपनी। पर इन माउंटिंग में बारिशों में तो जैसे पानी की वजह से उतर जाती है ना कई बार मेरे ख्याल में। ये स्क्रूज हैं पूरे, अच्छा बिना इसे पूरे टाइट कर रखे हैं कि ऐसे निकलेंगे। ये वाला भी फंक्शन बढ़िया है कि जब आपको चालान से बचाना हो। नहीं चालान चालान का तो बेसिकली पर्पस ही नहीं था, ये तो है जब आपको रस्सा निकालना हो, आपको टो करना है गाड़ी तो आपको रस्सा। दूसरा अच्छा जो तू मेरे को कह रहा था, ये मेरे को कह रहा था यहाँ पे लगाने का, कुछ लोग बम्पर के ऊपर लगाते हैं ना अपनी वो जो ये विंच वाली चीज, विंच वाली चीज, पर वो इसमें पता है पहले दिख नहीं रही थी, अब तो इसी के अंदर आ गई, वरना तो यहाँ पे भी जैसे एमर वगैरह के में लगी रहती है ना। मैं बता दूं आपका, मेरा भी स्टार्टिंग में यही था, जो मेरा पहला डिजाइन था ना उसमें यहाँ पर विंच थी। जब हमारी विंच नई नई होती है ना तो बहुत प्यारी लगती है, रेड रोप बिल्कुल एस्थेटिक, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, और रोप की जो कॉइल होती है कॉइल एक के ऊपर एक के ऊपर एक, लेकिन जब आप एक बार उसको यूज कर लेते हो अभी आप अगर फिर वो उस स्टाइल में वापस नहीं जा पाती। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं चरखी, जब एक बार उससे चलाते हैं फिर बाद में हम चलाते हैं कैसी बुरी लगती है, तो वैसे मिट्टी स्टिक होती है, ये स्टिक होते हैं, तो एक यहाँ पे एक पूरे एक होल इतना बड़ा, वो डस्ट इतनी, वो बहुत बुरा लगता है, वो एस्थेटिक नहीं लगता, तो इसलिए एस्थेटिक पर्पस के लिए हमने ये करा था। अब जैसे ये बेंच है तो ये प्लेट हमारी डिटैचेबल है, ये हट जाती है हमारी, अच्छा ये वाली, अगर आपका बेंच है तो आप यहीं से हाथ डाल के अपनी कनेक्शन यहाँ पे एंगेज डिसएंगेज आप यहीं से कर सकते हो आप। और जैसे कुछ लोग हैं जिनको, जैसे मैंने अपने दोस्तों उनको ये चीज जैसे समझ भी नहीं आ रही, ये कंपलसरी लगाना है, नहीं ये डिटैचेबल है, डिटैचेबल, इसके बिना भी लग सकते, इसके बिना भी लग, लुक चेंज हो सकती है, पर इससे लुक तो एनहांस ही हो रहा है, आ रही है, लेकिन बहुत लोग हैं हमारे जैसे सर्कल में जिनको पसंद नहीं है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ पब्लिक के उससे कि हाँ अगर ये किसी को नहीं चाहिए तो हो सकता है, मतलब ये डिटैचेबल है, कोई ऐसे कोई दिक्कत आई कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है, ये डिटैचेबल है, सिर्फ ये चार बोर्ड में माउंटेड है, ये आप निकाल लो, ये आप वापस नट उसी जगह प्लेस कर दो बस। और कितना टाइम हो गया इसको आपको लॉन्च किए हुए? ये मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा नहीं, दो महीने ही हुए हैं लॉन्च करे हुए, दो महीने हुए हैं। रिस्पांस कैसा आ रहा है? रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आ रहा है एक्चुअली, क्या ना रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा मैं क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट जाए कस्टमर पे जाए क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, तो इसकी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी कम है। आपकी प्रोडक्शन यहीं पर ही हो रही है? हाँ वही फायदाबाद, अभी वो भी हल्का फुल्का दिखा देंगे, वही रीजन की भाई प्रॉपर नहीं दिखा सकते कि भाई कॉपी लोग हल्की सी क्लिप लेके हाँ भाई ये भाई ऐसे बना रहे हैं, हम भी ऐसे ऐसे करके बने, तो वो है, ये मार्केट में ज्यादा आ गया है, ये हर लोग कर रहे हैं कोई। मैं तो इस मार्केट में नया था, मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये इतनी गंदी मार्केट है कि आप कोई चीज बनाओ और उसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि मतलब इतने भी सेंस ऑफ, मतलब इतना भी सेंस नहीं है कि भैया इसमें कुछ मैं अपना कुछ डाल दूं या नहीं, एज इट इज अगर मैंने यहाँ पर तीन लाइनें दी हैं, इतने बोल्ड दिए हैं, तो यहीं पर बोल्ड देंगे। अरे कॉफी कहाँ चलती सबसे ज्यादा? दिल्ली वगैरह में चलती है, हम सबको पता है ये कहाँ चलती है और कौन करता है। हाँ वो भी पता है, किसी का नाम नहीं लूंगा, मेन भाई करोल बाग हब है, सबको पता है वहाँ पे। और दूसरा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो आपकी एक ब्रांड है, मेरी प्रोमैन अगर मेरा ब्रांड है तो मेरा ब्रांड चल रहा है कि भैया ये प्रोडक्ट अपने यूनिक निकाल रहा है। अगर मैंने ही अपने ब्रांड में किसी का नाम नहीं लेता, अगर मैंने किसी की कॉपी कर ली तो कहीं ना कहीं वो मेरे ब्रांड की डीफेम होना मेरा शुरू हो जाएगा कि भैया ये तो कॉपी, पहचान में तो आ ही जाएगा। क्वालिटी लो, वो क्वालिटी उसी टाइम जिस टाइम मैंने कॉपी करी उस टाइम प्रोमैन की वैल्यू खत्म खत्म होना, वो ग्राफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज मेरे को जेन्युइनली यूनिक लग रही है, इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं पर्सनली देख लूं और मेरे को भी लगे और एक्सप्लोर करूंगा। मेरे को बहुत लोगों ने प्राड के लिए, मैंने इनसे ही बात की, प्राड एक रेनाउंड ब्रांड है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे को लुक पता नहीं अपने वो वाले टूटे बंपर के बाद इस वाले की यूनिक आ रही है, पसंद आ रही है। और एक हमारे साथ नए तो यूट्यूबर नहीं, हम भाई पहली बार मिले, मैं भी नया हूँ, इंट्रोड्यूस करो भाई अनुज भाई। हाय गाइस, माय नेम इज अनुज, आई ऑल्दो वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट एंड आई एम पैरेलली रनिंग अ यूट्यूब चैनल बाय द नेम द कार गीक्स। यार कब वीडियो बनाते हो? कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, कभी टाइम वीक सैटरडे संडे बेसमेंट से निकले, पब्लिक रिएक्शन ले लिया, बोले भाई तू भी काम कर ले, संडे वीडियो बनाते रहे, ये अभी भी यही बोलते हैं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैं डेली व्लॉग्स डालता हूं, मैं डेली व्लॉग्स वाला तो नहीं कर सकता, देखो नौकरी उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जॉनर क्या है आपका यूट्यूब में? यार जॉनर मेरा ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव मतलब बचपन से कीड़ा ही गाड़ियों का है। अच्छा, तो मैं वही। और पर्सनल क्या, कौन सी गाड़ी यूज कर रहा हूँ? तो मैं थार और फॉर्चुनर यूज, थार और फॉर्चुनर नई वाली, थार फॉर्चुनर है 2018 4x2 ऑटोमेटिक, मतलब वही जो लेटेस्ट फिर अब तो। हाँ तो ठीक है, वो लाइटें वाइटें बदल गई हैं, बट वो टू व्हील ड्राइव है और थार मेरी फोर व्हील ड्राइव है, डीजल लेकिन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि भैया आप ना उसमें फंसते रहोगे, रेदर देन आप अगर तारीख पे तारीख,
हाँ सेम चीज है, आप उसमें फंसते जाओगे उससे अच्छा आप बोलोगे यार छोड़ो यार आपका दिमाग है ना, अपना डिजाइन चेंज कर लो। वही वाली बात है, एप्पल एक साल लगाता है एक फोन को बनाने में। ये डिजाइन ये भी क्रिटिकल है, ये इतना आसान नहीं है। आप अगर इसकी रेडिएटर प्लेट की शेप देखोगे, सब कुछ देखोगे, और ये हमारी एक और चीज है, ये फेयर लीड, इसको फेयर लीड कहते हैं। अच्छा, इसको फेयर लीड कहते हैं। ये फेयर लीड जो हमारी माउंटेड है, विंग प्लेट में माउंटेड है। अच्छा, जो ज्यादातर ये होती है ना, जितने बंपर में मोस्टली अगर आपने देखे होंगे तो ये बंपर पे माउंटेड होती है। उसमें क्या केस होता है, ये विंच विंच प्लेट ना हमेशा हमारी बेस जो विंच प्लेट है हमारी, जो जिस पे हमारा विंच माउंट हो रहा है, वो हमेशा ये इस हिसाब से डिजाइन करी हुई है कि 6 टन की हमारी विंच को ले लेगी। आप टो करोगे तो इसकी नई बंपर वाले पे बंपर अलग हो जाता है, ठीक है। अब क्या चीज है, अगर मैं फेयरली इस बंपर पे होती जो कि मोस्टली इस टाइम है, तो क्या होता है, जैसे अगर आपकी गाड़ी फंसी है और आपका माउंटिंग का पॉइंट सामने है, बिल्कुल सामने पेड़ है, आपने सामने माउंट कर दो, गाड़ी तो उस टाइम निकल जाएगी। लेकिन अगर सेम चीज, अब ये गाड़ी यहाँ फंसी पड़ी है, माउंटिंग पॉइंट इस साइड है, तो आपका रस्सा इधर से आएगा इधर की तरफ को, टेंशन है। और जब आपका ये गाड़ी, अब गाड़ी टेंडेंसी आएगी इस साइड खींचने की, जब इस साइड खींचने की टेंडेंसी आएगी, ये बेंड हो जाएगा। मतलब बहुत स्टडी करके, रिसर्च करके बना। हाँ, इस पे काफी मैं दिसंबर से लगा पड़ा था। अगर मौका मिलेगा, खुद डिजाइन करें, मौका मिलेगा मैं आपको अपने पुराने के 4 डिजाइन और दिखाऊंगा। ठीक है, वो दिखा सकते हैं वीडियो आपको, पर्सनली दिखा दूंगा। ठीक है, पर्सनली देख ले यार, थोड़ी होती है प्राइवेसी। हां, अब अपने इस पे भरोसा कर लेंगे। कॉपी तो देखो एप्पल की भी होती है। हां वही तो, एक साल एप्पल लगाता है फोन बनाने में, वीवो और ओप्पो जबी की जबी कॉपी करके देता है, ये लो जी 15 प्रो। वो मेहनत वाली बात है ना भाई, अगले ने मतलब इतनी मेहनत की और सब कुछ, बट जो यूज करते हैं ना उसको पता भी रहती है एक फील वाली बात की, ओरिजिनल क्या है और वो वाली बात क्या है। कपड़ों की भी कॉपी आ रही है आजकल तो मार्केट में, देख लो। सही बात है, अपने देश में किसी की कॉपी नहीं होती है, JBL सोनी तक की कॉपी वो नहीं रोक पा रहे हैं, हर चीज की कॉपी है। अब भी इसमें धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट चल रही है। तो चलो, अब हमने कर ली बम्पर की बात, ठीक है, अब और क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट अभी दे रहे हैं आपकी गाड़ी में, सारे सब कुछ लगा हुआ जो आप। हाँ, तो चलो ये बम्पर हो गया, अब नेक्स्ट चीज ये टोइंग शैकल्स, इंडिया की पहली एल्यूमिनियम। ये बिमरा पे देखा था मैंने, बिमरा पे आप शायद बिमरा को माल अपना सप्लाई कर जाते हैं, तो वो अभी शायद बम्पर भी दिया आपने आज, 2 बम्पर कल देखो कैसे लग रहे। मेरा तो जब दी थी जब, वो तो नॉर्मल है, ये इसमें वो तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो जो मेरे साइकिल पे। हाँ, लेकिन टोइंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से उसकी भी टोइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, लेकिन एस्थेटिकली एक एस्थेटिक डिजाइन भी आ जाता है, एक फंक्शनल। हम चलने को ऑल्टो में भी चल सकते हैं, चलने को रोल्स रॉयस में भी चल सकते हैं, लेकिन वही ना, अब तो ज्यादा कंपेयर ऊपर हो गया, लेकिन वो तो ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन एक एक्सप्लेन करने के लिए वो बेटर है। ये सिर्फ एस्थेटिकली है, और ये लाइट वेट है बहुत, इसका जो वर्किंग लोड है, हमने सेफ वर्किंग लोड इसका 5 टन रखा पड़ा है, 5 टन तक, 5 टन सेफ वर्किंग लोड है इसका। जो इसकी ब्रेकेज है वो 13 टन के करीब पर ब्रेकेज हुआ था। ठीक है, ये हो गया, और क्या आपका बम्पर हो गया, आपका साइकिल हो गया, और क्या चीज है आपके पास? ये डोर रेंजेस है हमारे एल्यूमिनियम के। मेरे को ये पूछना था, ये सिर्फ शो के लिए है, ये वर्किंग चल रही है? अच्छा, वो कर नहीं पाया। तो ये डोर हिंज भी मेरे हिसाब से पूरे करोड़ बाद की मार्केट में ये बहुत कॉपी हो रही है, कॉपी भी हो रहे हैं क्या? अब तो कॉपी बहुत हो रहे हैं, पर ये वाला मैंने पहली बार इसमें देखा। अब क्या एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये वो कास्टिंग के कर रहे हैं। आप इसके ऊपर ना चाहे चढ़ जाओ, चाहे हम दोनों इस पे चढ़ जाएंगे, हम दोनों का मिलाकर अराउंड 150 से ऊपर ही प्लस वेट हो जाएगा, तब भी इसको कुछ नहीं होगा, 200 ही हो जाएगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं 100 किलो, तब भी इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कास्टिंग वाले होते हैं ना, कास्टिंग वाले हमेशा ब्रेकेज रहते हैं। जितनी भी मोस्टली आजकल मिल रहे हैं या जो भी बंदा बना रहा है, बिलेट एल्यूमिनियम से मशीनिंग करके नहीं बना सकते, क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं पड़ता ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। हमारा बिलेट एल्यूमिनियम मशीनिंग करके बनता है। ये टाइम हो गया ना इसको आपको मार्केट में लॉन्च किया? वैसे ये मेरा पहला प्रोडक्ट था, है ना, स्पेसस के बाद ये मेरा पहला। इसका कलर कॉन्ट्रास्ट भी कितना प्यारा लग रहा है, ये जो अलग अलग कलर के आते हैं, एक ये 3 कलर, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड ग्रे, और ऑल ब्लैक। ब्लू वो कस्टमर अपने प्रेफरेंस से कभी कभी करा लेता है, नीचे की विंच प्लेट और ये ब्लू करवाना है। ठीक है, विंच प्लेट हो गया, बम्पर हो गया, हिंज, एक ये बोनेट लाइट माउंट है,
अच्छा जो आफ्टर मार्केट लोग लाइट्स लगाते हैं, तो आफ्टर मार्केट लाइट ये इसमें ना दो लाइट पर साइड लग सकती है। ये कौन सी कंपनी की लगवाई आपने? ये तो चाइनीज थी, ये चाइनीज थी। देखो ये ऑनेस्टी होती है, नहीं तो और कोई मतलब बोलता है हाँ भाई लाइट फोर्स दिखता थोड़ी है यहाँ पे, पीछे लिखा होता है वो तो नहीं। ये चाइनीज, मैं तो फ्रेंकली बोलूंगा मैं तो सबसे सस्ती लाइट्स मंगवाई थी। हाँ, मैंने अपने उसको डीलर को बोला कि भाई जो सबसे सस्ती लाइट्स है वो भेज दे मेरे को। रिस्पांस कैसा है? लाइट्स का अच्छा रिस्पांस, 40 वाट की एक है और जब से मैंने लगाई है ना उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ गई, अभी मिलती नहीं है लाइट्स। अच्छा, अभी मिलती नहीं है। जब मैंने ली थी अराउंड ये 3 के करीब का पेयर था, अब ये 4.5-5 के करीब में भी नहीं मिलता, मतलब मिलेगा आपको 5 के करीब में ही मिलेगा पेयर। क्या बोलते हैं, माउंट बोलते हैं? अब ये माउंट है हमारे, ये माउंट हमारे हैं। इसमें ना डुअल आप 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लाइट लगा सकते हो, या जैसे मैंने कॉम्बिनेशन कर रखा हो एक येलो एक वाइट। हाँ, तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे सर्दी में गर्मी में है ना, है सर्दियों में यूज करते हैं ना मेनली, तो येलो वाली लाइट्स में फॉग में आप यूज करें तो येलो यूज कर लो, वैसे आपको वाइट यूज करनी है वाइट यूज कर लो। ये आपका जो माउंट है सिंगल माउंट भी आता है, डबल आता है, फिर डबल ही आता है, मतलब दो लाइट के लिए आता है ये, आप पैर के लिए आता है जी। सिंगल करना है ना तो ये नीचे माउंटिंग एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है। अच्छा, आप इसको लूज करके इसको ऊपर कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर मैन्युअली कर सकते हैं। हाँ, इसको लूज करा, यहाँ पे एक एलन स्क्रू है, एलन के साथ आती है, लूज करा, इसको ऊपर कर दिया, आगे कर दिया, पीछे कर दिया, इसको खोल के यहाँ लगाना है यहाँ लगा दिया, या अगर आपने सिर्फ एक ही लाइट लगानी है तो इसको पूरा अनस्क्रू करके आपने रख लिया कहीं आपके पास। आप GoPro भी माउंट कर सकते हो, एंटीना माउंट। यूट्यूबर हो ना, GoPro से ना एक चीज आज तई ताजा बताओ इन्हें, जो इनका डैश कैम है ना वो भी महिंद्रा ने उसमें से भी मेमोरी कार्ड चुरा लिया। माइक्रो डैश कैम वो एसडी कार्ड आता है उसके अंदर, मतलब वो बहुत ऑर्डर पे मिलते हैं, उसके अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं। आज पहले ना जब मैं उनकी वायरिंग मतलब वायर निकाल रही थी, जब मैंने कहा ये कि इसकी अलग वीडियो बनाएंगे भाई, सभी खुश नहीं हुए। चलो और आगे चलते हैं, और क्या क्या, जैसे ये 3 चीज़ें हो गया, मैं 3-4 चीज़ें दिखा दी अभी हमने। ग्रैब हैंडल तो आप लोगों ने देखे होंगे, ये देखो ये ग्रैब हैंडल नॉर्मल ग्रैब हैंडल नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ये देख फ्लैश ऑन करेगा या फिर मैं लाइट ऑन, उस साइड लाइट माउंट, वो बोनेट, वो देखो बॉटल ओपनर वाला वो है उधर। अच्छा वो बॉटल, अच्छा वो ये क्या, इसमें दोनों कलर लगा रखे हैं मैंने, जैसे समझने के लिए आसानी हो। ये वाला तो अच्छा फीचर है। अच्छा देख, वहां चल वो दिखाते हैं पहले, पीछे कुछ किया, पीछे भी कुछ अभी वर्किंग चलेगी, पीछे की वो चलेगी, कितने टाइम में आ जाएगा? अब 2 महीने तो मान के चलो, वो भी कुछ यूनिक सा होने वाला है। हाँ, वो यूनिक, डेफिनेटली यूनिक होगा। पर पीछे का जिमनी का देख सकते हो, जिमनी का, हाँ जिमनी का ये लैडर। हाँ, इसका कंसेप्ट क्या था ना, देखो जैसे अब ये मोस्टली जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड लैडर्स आ रही हैं, जिमनी वर्ल्ड वाइड है 3-डोर, तो जो या तो सीधे आ रही है या फिर इस शेप में आ रही है, जैसे ये शेप है, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक आ रही है। तो एक आप देखो ये 2 फीट ऊपर है कम से कम, और इसमें चढ़ना कितना मतलब कितना अनकन्वीनियंट हो, ये मतलब एक पैर आपका ऊपर, इसमें आप ना लगेज उठा सकते हो ना कुछ उठा सकते हो। तो ये मैंने फोल्डेबल लैडर उठाई थी। अच्छा, ये सही है, देखो चढ़ के देखो, आप आराम से चढ़ सकते हो इसके ऊपर, और ले सकता है लोड। हाँ, ले सकता, लोड है, ले लेगा, चढ़ जाएगा। मेरे को एक छोटा सा सवाल है, जिमनी पे कोई चढ़ेगा क्यों वैसे? नहीं, जैसे रूफ कैरियर लगाया ऊपर आपने, मैक्सिमम यहाँ से क्योंकि इसमें ना इसमें भी ज्यादा जगह है नहीं, लगेज की जगह है नहीं। अगर आपने रूफ कैरियर लगाया, सामान इजीली उतारना है चढ़ाना है, तो कोई भी आप चीज बनाओ एक फंक्शनल होनी चाहिए। हाँ, फंक्शनल रैदर देन एस्थेटिकली, तो भाई फंक्शनल भी हो, नहीं एस्थेटिक भी है, पूरा कॉन्ट्रास्ट के साथ जा रही है, भी है डेफिनेटली। लेकिन एक अगर हम एक ये लैडर यहाँ तक भी बनती तब भी बहुत प्यारी लगती, नो डाउट भाई। आप यहाँ आ जाते हैं वो बॉटल ओपनर को इंटरेस्ट आ रहा है, जो जो भाई मतलब समझ रहे हो कि समझ रहे हो भाइयों कि क्यों इंटरेस्ट आ रहा है इनको भाई, ये बहुत यूनिक चीज। लेकिन ये वो तो डेंजरस तो नहीं है ना, कोई हाथ लग जाए कट मैं कुछ वैसा तो नहीं है ना। ये देख जूम इन कर रहा है यहाँ पे, करवाया ये सबसे काम की चीज है ये। और ये कौन सा अलग कलर, क्या कह रहे थे आप? ये 2 कलर्स में, ऑल ब्लैक, हाँ, और एक ब्लैक। अच्छा, ब्लैक एंड रेड वाली फील अच्छी है थोड़ी ना, ये ना बहुत बढ़िया है। नहीं तो नॉर्मल मैंने देखे है की भूल गया क्या बोलते हैं, तो भाई अब बताओ, जैसे हमने सारी बेसिकली जो जो चीजें थी कवर कर ली, मेरे को एक चीज पूछनी है, ये गाड़ी मतलब ऐसी लिफ्टेड होती है या फिर इसमें कुछ? नहीं, इसमें हमने ब्लॉक लिफ्ट डाली पड़ी है, लिफ्ट किट आती है आपकी, लिफ्ट किट डाली पड़ी है, ब्लॉक लिफ्ट आती है हमारी, वो हमने डाली पड़ी है इसमें। और इस पे आपको 2 इंच का स्टांस मिल जाता है, 2 इंच का प्रॉपर मिल जाता है, प्रॉपर 2 इंच, 2 इंच से थोड़ा सा कम होता है। कितने तक का आता है लिफ्ट?
ये 19900 की है, 20000 है। लेकिन मैं ठीक है, मैं एक क्वेश्चन था, मतलब बहुत पब्लिक भी पूछते रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ये जो आपका अगर 2 इंच डॉक्टर नैनो करके आता है, डिफरेंस क्या है प्रो मैन और डॉक्टर? डिफरेंस क्या है? वो है सस्पेंशन लिफ्टेड। हाँ, हमारी है ब्लॉक लिफ्टेड। सस्पेंशन लिफ्टेड में क्या होता है ना, आपको देखो एक ब्लॉक है, आपको ट्रैवल इतना है। हाँ, ठीक है, आपके इसके नीचे चाहे जितना बफर डाल लो, इसका ट्रैवल इतना ही रहेगा। हाँ, आपका आर्टिकुलेशन नहीं बढ़ रही। हाँ, लेकिन आपको अगर सस्पेंशन लिफ्टिंग कराओगे, आपको ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, ये करनी है, तो आपको उसमें आपका सस्पेंशन का बहुत बड़ा रोल है। उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तो सस्पेंशन लिफ्ट करो। मैं ऑफ रोडिंग तो करता हूँ, लेकिन अब जैसे कि मेरे को हाल दिख रहे हैं महिंद्रा की, भाई मेरे को बहुत दिक्कत देते हैं हर चीज़ में, तो मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, कोई वो नहीं कह रहा। अब मैं कभी सोच रहा हूँ कि मेरी गाड़ी वारंटी में भी, तो मैं कैसे उसको ले जाऊँ, मतलब अगर इन्होंने जो आपको तो पता ही है स्टोरी क्या, जो भी स्टोरी थी, तो अगर मैं ये 2 इंच की लिफ्ट करवाता हूँ, मतलब तो इससे मेरे गाड़ी में कुछ क्या, मतलब एडवांटेजेस क्या होंगे? मैं बता दूँ, ये ज़्यादातर मैं किन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा, जैसे कोई 22 इंच डाल लेता है, 22 इंच जैसे वो फिर आके यहाँ पर हिट करता है। हाँ, 22 इंच में आप वैसे भी ऑफ रोडिंग नहीं करोगे, ना कभी आप लेकर जाओगे उसको, तो आपको सीधे इतना स्टांस चाहिए कि मेरे फेंडर को ना हिट करे, फेंडर ना निकले बाहर। 17 इंच में भी टर्न में मेरा हिट कर रहा है। नहीं, जंप में जो ऊपर को हिट करता है। हाँ, वो ये निकल जाता है, निकल जाता है, मेरा लॉक भी निकल जाए, मेरे लॉक भी टूट गए, तो मैं करवाऊँ क्या बॉडी से? हाँ, नहीं, आप लिफ्ट करो। अच्छा, मेरे 17 इंचेस ये है, मेरे मतलब 33 इंच वैसे है, 17 इंचेस के RT टायर्स है मेरे, इन मेरे अगर जैसे देखोगे वहाँ पे लॉक्स निकल जा रहे हैं, मेरे को समझ में टर्निंग पे निकल रहे हैं, हम नहीं, वो जंप पे जंप में नहीं, मतलब ये फिर मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। और टायर भी बहुत हैवी है, टायर का वेट बहुत ज्यादा है आपका जो, तो इसलिए हो रहा है। स्टील रिम, वैसे भी स्टील रिम्स भारी होता है अलॉय से, तो इसलिए कुछ ज्यादा हो गया, ओवरऑल वेट बढ़ गया, तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू, तो वो टर्निंग पे भी नहीं अड़ेगा और ना ही ऊपर अड़ेगा, जो अगर आप ये लिफ्टेड लगाते हो ये वाली, या अगर आप वेट कर सकते हो वेट कर लो, मेरी ऊपर आरएनटी चल रही है सस्पेंशन पे। अच्छा, तो भाई इसी के साथ मज़ा आया यार आपसे बात करके, आपने पूरी प्रॉपर प्रो मैन जितना भी था, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं क्या है, तो प्रो मैन के ओनर फाउंडर जो बोलना है बोलो, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी आप जो भी आपके पास था अभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आपने बोल दिया है। हाँ, यही था। और अभी इन फ्यूचर में पीछे का बम्पर इनका जो है स्टील बम्पर आपका वो करें, और क्या क्या फ्यूचर में आने वाला है? बाकी अभी मैंने ना हाइलेक्स पे भी फोकस करना स्टार्ट करा है, तो हाइलेक्स ही लेवलिंग किट है, इसुजु की लेवलिंग किट है, अब धीरे धीरे इनके भी मैं इन पे भी जाऊंगा, और तो आने वाले एक साल के अंदर आपको हाइलेक्स पे भी जाऊंगा। अभी रैंगलर का मैं 2 स्टेप अप बना रहा हूं। अच्छा, ये जैसे स्टेप अप ना, रैंगलर का भी ऐसे ही तरक्की करते रहो, मज़ा आया यार आपकी गाड़ी, मतलब देख के मज़ा, मैं सोचूंगा कि मेरे को करवाना है नहीं करवाना, भी देख के। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग।